हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस 13 को मार्केट यहाँ पे ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री इस वीक में अगर देखेंगे तो पिछले 3 वीक से हम लोग को गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इस दोनों वीक में आपको कहीं ना कहीं बायर्स का यहाँ पे रोल दिख रहा होगा। लेकिन इस वीक में अगर आप देखेंगे तो 2800 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था, जैसा हमने लास्ट डिस्कस किया था, उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं हम लोगों को क्लोजिंग मिली है। अभी ये कहना मुश्किल होगा कि इस मंथ के लास्ट लास्ट तक ये किस लेवल के आसपास रोल प्ले कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब तक इस मंथ की हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक थोड़ा सा यहाँ कहना मुश्किल होगा। अदरवाइज अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2800 का पहला इम्पोर्टेंट लेवल था जिसको इसने ऑलरेडी हिट कर दिया है, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो लेवल है वो 2700 का है, और उसके बाद का जो लेवल है 2600 का है। 2600 का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये लेवल्स के आसपास से क्या दिया था, ब्रेकआउट दिया था मंथली टाइम फ्रेम पे, एंड इसीलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। ऊपर रेंज बनाया है ऑलरेडी 200 का, और नीचे ब्रेक करेगा 2800 से 200 और 2600। इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 2600 का नीचे एक लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है अगर मार्केट नीचे की ओर और गिरता है तो। अब हम लोग नेक्स्ट वीक की बात करेंगे तो नेक्स्ट वीक में अभी क्या दिख रहा है। टेक्निकली आप देखेंगे 2800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट था, उसके आसपास यहाँ पे क्या किया है, इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग यहाँ पे देखेंगे कि ये लगभग लगभग दो तीन वीक से दो वीक से मतलब 3 वीक से यहाँ पे फॉल हो रहा है, लेकिन 2 वीक से अगर देखेंगे तो यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया था, उसके बाद बायर्स यहाँ पे फेल हुए हैं, एंड उसके बाद ये गिरावट हुई है। तो नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रॉब्ली क्या होना चाहिए कि इसको इस कैंडल के अंदर मतलब 2700 से लेके 2800 के बीच में अगर ये अपना लो ब्रेक करता है 2800, तो इसी के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग को एक क्लोजिंग देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नीचे की ओर और फॉल यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अभी नेक्स्ट वीक में यहाँ पे थोड़ा सा रुकावट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, एक हॉल्ट कैंडल देखने को मिल सकता है, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम पे ये चीज़ हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा था, ये यहाँ पे 2800 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। उसके पहले देखेंगे तो 2850 के आसपास का, 2830 के आसपास का इम्पोर्टेंट लेवल था, जिसको यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये रुक रहा है। रुक के यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन किस तरीके से बना रहा है। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, तो अगर ये चैनल पैटर्न यहाँ पे जो छोटा सा ये यहाँ पे जो हॉल्ट हुआ है, अगर ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो जाता है तो नेक्स्ट वीक में ये नीचे की ओर नहीं गिरेगा, और हो सकता है इन्हीं लेवल 2950 2900 के आसपास कहीं ना कहीं हम लोग को नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग मिले, ठीक है। लेकिन अगर ये जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है, जिस तरीके से 3-4 दिन का कैंडल एक पास बनाया है, अगर इसका स्विंग अपने आप फिर से ये ब्रेक करता है तो हमें ये नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ लेके जाएगा। और नेक्स्ट सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे 2750 का है, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं 2700 के आसपास का नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। फाइनल सपोर्ट हमारा जो 2600 का है, जहाँ से यहाँ से बाइंग हैपनिंग ये हुई है, देख रहे हैं इतना आने के बाद यहाँ पे बहुत दिन रुका था, उसके बाद ये बाइंग हैपनिंग इन लेवल्स के आसपास से चालू हुई थी। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, 2650 एंड 2600 नीचे की ओर, एंड ऊपर की ओर 2800 वाला लेवल हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। तो अभी अगर नेक्स्ट वीक में ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया, अगर इस लेवल्स को ब्रेक करता है तो हम मान के चलेंगे कि 2650 इसी मंथ में ये हो सकता है हम लोगों को दिखाएगा, और यहीं पे होल्ड करके यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा इसी मंथ के अंदर, राइट। अब ये इन लेवल्स के आसपास से कैसा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा तो वो ये जब ये लेवल्स अचीव होंगे तब हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। और ऊपर की ऑलरेडी हमने बात की कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो हो सकता है 2950 से लेकर 2900 के बीच में कहीं ना कहीं हम लोग को क्लोजिंग मिलने के चांसेस हो सकते हैं ऊपर की ओर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 2-3 बार यहाँ पे भी इसने कोशिश किया था ऊपर जाने की, लेकिन फिर से नीचे आ गया। तो ये लेवल्स 2780 के लेवल को बार बार यहाँ पे 1 टाइम, 2nd टाइम, 3-4 बार ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया है, और यहाँ पे लगभग लगभग आप देखेंगे तो 40 रुपीज़ का एक रेंज बनाया था। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से 40 नीचे जाएंगे 2780 से, तो 2740 का हमारे लिए नेक्स्ट नीचे का लेवल होना चाहिए 2740 का, ठीक है। उसके बाद 2740 का, उसके बाद 2700 का, इस तरीके से हम लोगों के लिए लेवल निकल के आ रहा है। तो अगर यहाँ पे नीचे की ओर गिरता है तो चूंकि यहाँ पे एक अच्छा चैनल पैटर्न बनाने की कोशिश किया है, तो फिर से दूसरे ही चैनल पैटर्न पे मतलब जब से 2740-30 टच होगा एक बार फिर से ये बाउंस बैक इसी तरीके से रुकने की कोशिश करेगा, और थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन यहाँ पे हो सकता है ऐसा टाइम स्पेंड करे, एंड उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करे नीचे ऊपर की ओर।
तो ऊपर निकलने के लिए तो अभी हमने बात किया कि ये जब तक 2800 60 65 निकाल नहीं देता तब तक ऊपर की बात नहीं करेंगे। अगर मान लेते हैं क्लोजिंग हमको इसके आसपास मिल जाता है 2800 60 50 के आसपास, तो हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये इन लेवल्स के आसपास आने की कोशिश करे, ठीक है, 2900 के आसपास, क्योंकि इसके पीछे जाके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम इसके नीचे ऊपर ही इसने स्पेंड किया है, तो ये लेवल एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है यहाँ पे। तो ऊपर की ओर हमारे लिए ये 2890 का लेवल रहेगा और नीचे की ओर हमारे पास 2780 का लेवल रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।